SNCN बालिका विद्यालय PG कॉलेज कानपुर नगर के शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा तथा दर्शन शास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 13 फरवरी को एक प्रशासनिक विषय उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव चुनौतियां एवं समाधान पर अंतर विभागीय संगोष्ठी का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर सुमन प्रोफेसर चित्रा सिंह तोमर डॉक्टर मोनिका सहाय तथा अतिथियों ने सरस्वती प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ पुष्प अर्पित कर किया। संगोष्ठी में विभिन्न विभागों के लगभग 20 छात्राओं ने अपने लेख प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं ने अपने शैक्षिक अनुभव साझा किए जिसमें चुनौतियां तथा समस्या ज़्यादा थी और समाधान ना के बराबर। संगोष्ठियों के मुख्य बिंदु व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का व्यवहारिक क्रियान्वयन आशानुरूप ना होना, कार्यभार के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों का बढ़ता कार्यभार, महाविद्यालय में सीखने के लिए आवश्यक संसाधनों का अभाव, पाठ्यक्रम तथा परीक्षाओं का बढ़ता दबाव, कम समय, सभी छात्राओं को एक समान अंक देकर परीक्षा परिणाम अच्छा करने की परंपरा का प्रादुर्भाव, विद्यार्थियों की अधिगम में घटती रुचि, शिक्षकों का किसी भी नीति के क्रियान्वयन में महत्व तथा कक्षा में घटती छात्र संख्या, अंकों का बढ़ता महत्व तथा ज्ञान अर्जन करना होना आदि पर विचार विमर्श किया गया। प्राचार्य ने छात्राओं के विचारों की अभिव्यक्ति सराहना करते हुए उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। विषय विशेषज्ञों के रूप में प्रोफेसर अलका टंडन, प्रोफेसर गार्गी यादव, कैप्टन ममता अग्रवाल ने छात्राओं का मार्गदर्शन किया। डॉक्टर प्रीति सिंह, श्रीमती ऋचा सिंह, डॉक्टर संगीता सिंह, डॉक्टर नामिका सिंह, डॉक्टर शिवांगी यादव, श्रीमती अमिता सिंह, सुश्री प्रीति यादव आदि छात्राओं ने अपनी उपस्थिति से छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। कानपुर संवाददाता मोहम्मद जुनैद की खास रिपोर्ट। आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं आए, मतलब जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर आए, क्योंकि आप लोगों ने फाउंडेशन कोर्स है तो आप इसमें इससे जुड़े नहीं थे, आप जुड़े हैं आकर के जब आप ग्रेजुएशन लेवल में आ गए, तो ये जो चेंजेस है ये आप लोगों को और ज्यादा तीखे। अच्छा, दूसरी बात आती है, आप लोग जैसे बहुत सारी समस्याएं बताई है, जिसमें कि एक तो चीजें मैं आपको बताऊं, जैसे आप लोग कहते हैं कि एडमिट कार्ड आने में बहुत टाइम नहीं मिलता और एकदम से एडमिट कार्ड आता है, कल हमारा एग्जाम है, आज हम रुक रहे हैं यहाँ पर, शाम के 4 बजे आपको एडमिट कार्ड प्राप्त होता है। तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें लोकल है, लोकल है, ये हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ है, तो ये सब नोट किया गया है, प्रिंसिपल मैडम की लेटर बनाएंगे जो कि यूनिवर्सिटी को डाला जाएगा। साल में 3 ही साल हुए हैं ना, अभी 3 ही साल हुए लागू होते हुए, और हमें लग रहा है आगे आने वाले कम से कम 10 साल के बाद हम लोग शायद इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि NEP जब लागू की गई तो उसके पीछे भावना बहुत अच्छी है, भावना बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले की हमारी जो शिक्षा नीति थी बच्चों ने बताया 86 में थी, उससे पहले शायद 71-76 की थी, तो उसमें क्या था, ये कहा जा रहा था कि ये वैकालिक पद्धति है, इससे हम लोग सिर्फ रन बना दे रहे हैं, जो कि रोट नॉलेज है ना, रोट नॉलेज रट करके जो करते हैं बच्चे, बस वही होती है, जो रटने में सक्सेसफुल है उसको नौकरी मिल जाती है। फिर लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी NEP इसमें ये है कि हम बच्चे को